कोरोना की स्पीड सिस्टम से तेज, देश में 10 दिन में वैक्सीनेशन की रफ्तार 7.2% बढ़ी। कोरोना के एक्टिव केस 7.87% बढ़ गए। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा, यमुना एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर तोड़कर कार पर पलटा टैंकर, 7 की मौत जिसमें से 4 एक ही परिवार के। चीन पर नजर रखने की तैयारी, आईटीबीपी के डीजी बोले एलएसी के पीछे हटने का समझौता सेनाओं के बीच, हम पेट्रोलिंग जारी रखेंगे। उत्तराखंड आपदा, चमोली से लापता 136 लोगों को राज्य सरकार ने मृत घोषित किया, अब हादसे में मरने वालों की संख्या 206 हुई। चुनाव से पहले विवादों में भाजपा, बंगाल में विजय वर्गीय के करीबी राकेश सिंह गिरफ्तार, पामेला ने इन पर ही साजिश रचने का आरोप लगाया था। बजट सत्र का आज तीसरा दिन, सागर सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की जमीन का मुआवजा तथा चित्रकूट की मंदाकिनी नदी से प्रदूषित पानी छोड़े जाने का मामला सदन में उठेगा। मथुरा में किसान महापंचायत, ब्रजवासियों के बीच प्रियंका गांधी का तर्क, गोवर्धन पर्वत बचा कर रखिएगा, कल को सरकार इसे न बेच दे। सरेंडर नक्सली ने किया सुसाइड, दंतेवाड़ा में महिला नक्सली ने फंदा लगाकर दी जान, ट्रांजिट बेरक के बाथरूम में लटकता मिला शव। लाल किला हिंसा केस, जेल में बंद दीप सिंधु के सोशल मीडिया से वीडियो जारी, निकेत और लक्का समेत 6 लोगों के भड़काऊ भाषण दिखाए। बॉलीवुड ब्रीफ, 75 करोड़ के मेहनताने के बावजूद ऋतिक ने छोड़ा ओटीटी का प्रोजेक्ट, रणवीर का पावरी वर्जन हुआ वायरल।